जय हिंद। तो प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रे आज आम कर पेपर फाइव को आलोचना करवा जार कि यूनिट वन अच्छे ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम। तो बहुत सारा पिलामानकर डिमांड थिला जे प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स क्लास करिया एवं निश्चित रूपे ओडिया ऑनर्स एग्जाम मध्ये खूब शीघ्र अर्थात प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर एग्जाम आमर खूब शीघ्र होगापी जाऊँगी। जमीक मुझे गोटे भिडियो कही डिसेम्बर सुधा आमर सबू प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर परीक्षाटी कम्प्लीट हो तेणु से क्लास निश्चित रूपे दरकार। तेणु आज क्लास आम आलोचना करवा जे उद्भव पर्व ओडिया भाषा। तो यह विषय अल्प किसी आम इंट्रोडक्शन को आलोचना करवा और धीरे धीरे आम आगक आम तीनो जाक पेपर मैंने फाइव सिक्स सेवेन सहित तार सब यूनिट को आम कवरअप करने चेष्टा कर सहित अनेक सारा प्रश्न उत्तर को आलोचना करवा जहाँफल परीक्षा पूर्व समस्ते से परीक्षापी प्रस्तुत हो पारे। तेणु देख तो जेहेतु आज आम ओडिया ऑनर्स आज आलोचना करने जाऊँ कौन जो ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम। तो इंट्रोडक्शन क्लास मैंने प्रथम आमको बहुत भल भाव बुझापी पड़ा। देख तो देखिए उद्भव पर्व ओडिया भाषा तेणु आम जो ओडिया भाषार तार उद्भव पर्व बा तार उत्पत्ति तेणु फास्ट फंडामेंटल क्लास टाक बर्तमान आम बुझा। देख जे ओडिया भाषा इंडो यूरोप भाषा परिवार ठीक अच्छे इंडो यूरोपियन फैमिली रो माने इंडो इंडो ईरान आर्य शाखार अन्यतम प्रधान भाषा ठीक अच्छे। तो तेणु भाषाविद माने यहाँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जहाँकि ख्रीष्टपूर्व 1500 ख्रीष्टपूर्व 500 एक क्रमवर्धित भाषा भाव ग्रहण कर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ठीक अच्छे। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषार उत्सारित हो प्राय दीर्घ 2000 वर्षर क्रमिक विवर्धन धारा ओडिया भाषा और तार प्राचीनता को प्रमाणित करेणु दीर्घ कत ना दीर्घ 2000 वर्ष दीर्घ ठीक अच्छे। तो जहाँकि ताको शास्त्रीय मान्यता प्राप्त भाषा भाव भारत सरकार ग्रहण करम ओडिया भाषा को ठीक अच्छे। तो यही बर्तन धारा को भाषाविद गण निम्नोक्त तीनो स्तर में विभागीकरण कर। तो जो पे कंप्यूटर पढ़ी तो से जानते जो कंप्यूटर जेनेसन अच्छी फास्ट जेनेसन सेकेंड जेनेसन तो सेमती तार सब विभिन्न तार सेक्शन अच्छी। तो सेमती यही भाषा को मध्य आम सेक्शन कर देचु जो आर्य भाषा जहाँकि रही देख प्रथम देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जहाँकि ख्रीष्टपूर्व 1500 आम 500 मध्य हो मध्य भारतीय आर्य भाषा जहाँकि आमर 500 आमर 1000 मान हूँ ख्रीष्टपूर्व 500 हूँ ख्रीय 1000। तापर जो नवीन भाषा जो चल नवीन भारतीय आर्य भाषा जहाँकि आमर ख्रीष्टपूर्व ख्रीय 1000 तापर जहाँ सब चलती ठीक अच्छे। तो देखो तो प्रथम बुझा जे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन। देखो तो विश्व प्रसिद्ध भाषाविद मतरे प्राचीन भारतीय आर्य मानकर भाषा थिला वैदिक भाषा अर्थात जो भाषा रे वेद को रचना कराउतला तेणु भारतीय आर्य मानकर कौन भाषा थिला वैदिक भाषा। तो तार अर्थ कौन ना जो भाषा रे सब वेद को रचना करा जाए ताका हम कहता वैदिक भाषा ठीक अच्छे। तो दीजिए 1500 मान ख्रीष्टपूर्व 1500 ख्रीष्टपूर्व 1000 मध्य रचित चारोटी वेद जहाँकि आमर हूँ कौन जे रुक जजुर साम आउ अथर्व सूत्र धरणी गुड़ी को लोके शुणी शुणी मन रखुले ठीक अच्छे। तेणु ये सब जो आम जाचु जो मैंने इतिहास पढ़ते हिस्ट्री मोर मन पड़ी जो सिक्स क्लास जो आम फास्ट इंट्रोडक्शन क्लास आम पढ़ु इतिहास प्रथम पेज मन रखो जो सीटा आम पढ़ु वेद वेदर अन्य नाम हूँ कौन जो स्मृति कहीं स्मृति ना से बेले लोक मैंने शुणी शुणी का सब मन रखुले परवर्त समय अर्थात ख्रीष्टपूर्व 1000 बेलू यह संकलित रूपे देखा मिलला वेदर यह संकलित रूप को कहगला संहिता संकलाप करागला ठीक अच्छे। तो यार यथेष्ट परवर्ती काल में वैदिक साहित्य निदर्शन रूपे ग्रहण निदर्शन रूपे विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ सब रचित होला फल तो यहाँ कौन है ना यह परिवेश परवर्त समय यह सब भारतीय समाज रे वेदतुल्य शाश्वत ग्रंथ भाव ग्रहणीय होती भाषा तो
ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସଂହିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପନିବେଶ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଭାଷାର ଭିନ୍ନତା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କାଳଗତ ବ୍ୟବଧାନ ସୂତ୍ର ଭିତରେ ଜାଣିହୁଏ। ତ ସଂହିତାର ଭାଷାଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଷା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭାଷାଠାରୁ ଉପନିବେଶର ଭାଷା ବେଶ୍ ଅର୍ବାଚୀନ ପରି ମନେ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଉପନିଷଦୀୟ ଭାଷା ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ତେଣୁ ଉପନିବେଶୀୟ ଭାଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ, ତେଣୁ ଋଗ୍ବେଦ ରଚନାରୁ